गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट है, एक्सरसाइज 9.6 आप बोर्ड पर देख भी पा रहे होंगे और उम्मीद है कि इससे पहले आपने 9.5 तक कवर कर लिया होगा सब कुछ। तो जिन बच्चों ने 9.5 तक कवर कर लिया है और इंटीग्रेशन भी उनको ठीक ठाक आता है, तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर या तो एक्सरसाइज 9.5 से 9.5 है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज, तो वो आपने कर ली होगी, या तो होमोजीनियस से बनेगा या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो होमोजीनियस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, मैंने बोर्ड पर हल्का सा एक डिस्क्रिप्शन इसका लिखा हुआ है कि dy/dx + py = q। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, जिसमें p और q या तो कोई कांस्टेंट नंबर होंगे या फिर सिर्फ x के फंक्शन होंगे। मैं दो तीन इक्वेशन आपको लिख के दिखाता हूँ, आप कैसे पहचानोगे, यहाँ से तो कम समझ में आएगा। मैं इक्वेशन एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ आपको। जैसे बोर्ड पर मैंने चार इक्वेशन लिखी हुई है, इन सब में क्या खासियत है कि dy/dx sin x into y = 10x। तो ये बिल्कुल सेम इस फॉर्मेट में है, यहाँ पर p की वैल्यू sin x होगी और q की 10x होगी। तो p और q दोनों x के रूप में है, कहीं भी उनमें y नहीं आया हुआ है, सिर्फ y एक जगह आया हुआ है इन सब में। dy/dx अलग है, y सिर्फ एक जगह रखा हुआ है और बाकी की जो टर्म है वो x वाली टर्म है, मतलब कहीं x स्क्वायर है, कहीं tan इनवर्स x है। अब आप इसको देख लें कि इसमें यहाँ y है, इसके साथ ये कांस्टेंट टर्म आ गई, तो लिखा हुआ है p एंड q या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर सिर्फ x के फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ p की वैल्यू 2 हो जाएगी और q की वैल्यू x स्क्वायर होगी। इस वाले में भी y के साथ कांस्टेंट है, p की वैल्यू -3 हो सकती है और q की वैल्यू 5 होगी यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में बिल्कुल इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि dy/dx + something into y, इस तरीके से नहीं होता है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी पड़ती है कि वो होमोजीनियस है कि वो लीनियर है। तो होमोजीनियस पहचानने के लिए तो आप वो पिछला वीडियो आप देख लेंगे जो होमोजीनियस वाला है, उसमें मैंने कर रखा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा एक्सप्लेन, वो तो आप वहाँ से पता करेंगे कि कैसे पहचानते हैं। अब मैं आपको लीनियर पहचानना सिखाता हूँ। लीनियर की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि उसमें जो वाई वाली जो टर्म है ना, वो सिंगल वाई की पावर 1 वाली ही होगी सिर्फ, कोई वाई स्क्वायर नहीं होगा, कहीं साइन वाई, लॉग वाई वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। y सिर्फ आपको एक जगह मिलेगा, वो भी y की पावर 1 वाला। इस टाइप के अगर बने तो आप उसे लीनियर बनाने की कोशिश करना। जैसे हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में आपको ये अजीब लग रहा होगा इस तरीके से लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको 4-6 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो लीनियर आसान है, होमोजीनियस से ज़्यादा आसान है, लीनियर आसानी से समझ में आ जाएगी। बस ये बात याद रखना कि इनमें y सिर्फ एक जगह रहता है, वो भी y की पावर 1। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। पहले जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करते हैं, ये आपको इजी पड़ेगा। तो आप क्या देख सकते हैं इसमें कि dy/dx + y/x है, y/x को आप 1/x into y लिख लो। सबसे पहले आप क्या काम कर लो, dy/dx + 1/x into y = x2। उसके बाद जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, अभी जो बोर्ड पर लिखी हुई थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्मेट में थी कि dy/dx + py = q। तो एक बार लीनियर पहचानने के बाद आप p और q को अलग करेंगे और उसके बाद इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, एक टर्म आएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान रखना, इससे कई बार सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड करवा लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इन शॉर्ट IF लिखा जाता है IF, और फॉर्मूला ये है इसका e^PdX। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको कि अगर क्वेश्चन लीनियर है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e^PdX, p की वैल्यू कंपैरिजन करा के आपको मिल जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो p की वैल्यू 1/x और q की वैल्यू x स्क्वायर होगी।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जो वाई का कोफिशियंट है वो पी है और जो उधर जो उधर टर्म रखी हुई है वो क्यू है। तो यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई में वन अपोन एक्स आया, तो पी तो वन अपोन एक्स होगा और क्यू एक्स स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं ये पी और क्यू दोनों एक्स के ही फंक्शन है, एक्स के रूप में ही है, तो ये लीनियर में चल जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लोगे तो सॉल्यूशन का फिर आपके पास एक अलग फॉर्मूला है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये है कि वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन। फॉर्मूला मैंने लिख दिया सॉल्यूशन का, बिल्कुल सेम ये काम हम इस क्वेश्चन में करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर p dx, यानी e की पावर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log x होता है, तो e की पावर log x, ओके। अब एक बात समझना, हो सकता है आपने आज से पहले ना सुना हो ये कि e और log एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आंसर में सिर्फ x आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, e की पावर में कहीं पर log x आ जाए तो इसका आंसर हमेशा x होगा। जैसे कहीं e की पावर में 4 log x आ जाए, इस तरीके की चीज़ें आ गई, तो इसका आंसर 4x नहीं होगा। समझो बात को, जब e की पावर में एकदम log आया हुआ हो तो x होगा, लेकिन 4 log x आया है तो आंसर 4x नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि e से log कैंसिल हुआ है, आंसर क्या होगा, ये जो 4 है उसे पावर में लेके जाओ, e की पावर log x की पावर 4 लिखो उसे, अब e से log कैंसिल होगा और ये x की पावर 4 बचेगा। तो इस फंडे को याद रखना, इसमें ज़रूरत पड़ेगी लगभग हर क्वेश्चन में आपको, कि जब e की पावर में log आया हुआ हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि इनवर्स होता है। अगर यहाँ पर बाई चांस कोई नंबर होता तो उसे पहले आप पावर में लेके जाते उसकी पावर में, लॉगरिथम का रूल है ये। तो सिर्फ x बचा, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x इक्वल टू क्यू यानी कि x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x और इसका इंटीग्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगा दोगे कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है बाई पार्ट्स कर दो, ऐसा नहीं होता है। आप एक्स स्क्वायर के एक्स में मल्टीप्लाई कराओगे एक्स क्यूब मिलेगा, इधर तो एक्स वाई बना और उधर होगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का होगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस सी। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस इसमें क्या है कि दो जगह इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए e की पावर में p का इंटीग्रेशन होता है, फिर यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू की मल्टीप्लाई करा के फिर इंटीग्रेशन होता है। लेकिन आसान रहते हैं, ज़्यादा आपको परेशान करने वाले इंटीग्रेशन नहीं मिलेंगे। तो ये था इसका एक पर्टिकुलर तरीका, हर क्वेश्चन में यही काम करेगा। जैसे आपने एक्सरसाइज 9.5 में देखा होगा होमोजीनियस में, आप एक बार मेथड सीख लो तो सब क्वेश्चन में वही चलता था। अब इसमें भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, सेम यही मेथड चलेगा। जैसे सबसे पहले क्या करना, आपको P और Q को सेपरेट कर लेना है, दोनों को P और Q को छांट लोगे क्या होंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे e की पावर p dx के फॉर्मूले से एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू जो q आया है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनकी मल्टीप्लाई का भी इंटीग्रेशन। कई बार यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ जाता है, वो बाई पार्ट्स वाला जो आईलेट वाला जो आपको बताया था, कई बार ये ऐसे ही हो जाता है डायरेक्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 लिखा हुआ है कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। तो आप जो लीनियर इक्वेशन है उसे ध्यान से अगर देखें तो आपको दिखाई देगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, मतलब जो डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशियंट है ना कुछ, तो आप उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को सिंगल बनाओ आप, तो यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x,
तो सबसे पहला काम क्या होगा कि अगर अच्छा वैसे आप इसे मैं बताऊं आप लीनियर कैसे पहचानोगे, आप इस क्वेश्चन में देखो वाई कितनी जगह आया है, सिर्फ एक जगह आया वो भी वाई की पावर वन, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके इसमें और कहीं वाई दिखाई नहीं देगा। आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि एक्सरसाइज 9.4 जो वेरिएबल सेपरेशन की थी उसमें भी तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसमें आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, उनमें किसी में वाई स्क्वायर है, कहीं एक्स वाई क्यूब है, इस तरीके के लिखे हुए हैं, वाई की पावर वन वाले नहीं है। जो वाई की पावर वन वाले होंगे वे लीनियर के होते हैं, आप उन्हें एक बार चेक करेंगे, अगर उसमें से पी और क्यू को आप सेपरेट कर पाए तो डेफिनेटली लीनियर होगा, अगर इस फॉर्म में बन गई तो लीनियर होगा। अभी ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, देखो कैसे होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ कोस स्क्वायर आ गया, तो कोस स्क्वायर से डिवाइड करो, यहां बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, जैसे ही अपॉन में कोस स्क्वायर जाएगा उसे आप ऊपर ले जाकर सेक स्क्वायर लिखेंगे, भाई वन अपॉन कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दिया, ये होगा टेन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर, तो इसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, ये काम कर लिया हमने। अब यहाँ पर p मिल गया आपको, p होगा sec स्क्वायर x, p होता है y का कोफिशियंट, q होगा ये कॉन्स्टेंट टर्म, q हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, p और q दोनों आ गए आपके पास, सॉरी sec स्क्वायर x, p और q जब दोनों आपको मिल गए तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e की पावर p dx यानी tan स्क्वायर x dx, सॉरी sec स्क्वायर x dx। ओके तो e की पावर sec स्क्वायर x dx, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें e की पावर sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है इंटीग्रेशन, तो सीधा हो जाएगा e की पावर tan x, और यहाँ पर प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाद में एक बार ही फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाता है प्लस सी का, तो बार बार ज़रूरत नहीं होती है। ओके हाँ जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू, क्यू देखिए वो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन। ओके इतना काम हमने कर लिया, अब इधर तो कुछ करना नहीं है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा भाई दिमाग चलाना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए इंटीग्रेशन आपको मजबूत होना चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ टेन और सेक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, याद रखो सारी ट्रिक्स माइंड में हो फटाफट, तो तुरंत दिमाग में आती हैं चीज़ें निकल के कि sec स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है tan x भी दिखाई दे रहा है, तो आप tan x को t पुट करेंगे आप इसमें tan x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएशन करते ही sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बनेगा, और ये सारे रिप्लेसमेंट जैसे ही आप इसमें लगाओगे y e की पावर tan x, इधर तो ऐसे ही चलते रहने देना, इधर tan को t मत रखना, बस उस साइड में हम परफॉर्म करेंगे sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx ये पूरा dt से रिप्लेस हो जाएगा, tan x की वैल्यू t रखनी है इंटू e की पावर tan x मतलब e की पावर t, अब t इंटू e की पावर t आया तो आईलेट मल्टीप्लाई रूल फॉलो होगा अब यहां पर, तो वो आईलेट वाला फंडा चलेगा ILATE, ऐसे तो लिखते थे आईलेट, इसमें एलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल है, तो एलजेब्रिक वाले को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, तो टी को आप फर्स्ट मानेंगे और ए की पावर टी को सेकंड, और मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर देंगे जिसे बाई पार्ट्स बोला जाता है, तो क्या होगा बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग, पहले फर्स्ट को ऐसे रखा जाता है टी को पहले ऐसे रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी, फिर माइनस का निशान इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन वन होगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि डी टी लिखा हुआ है, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही रहेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन प्लस सी और लिख दो यहाँ पर वाई ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू टी e की पावर t माइनस उसका इंटीग्रेशन e की पावर t और प्लस c, और फिर वापस आप t की वैल्यू पुट कर देंगे tan x, तो ये हो जाएगा y e की पावर tan x
इक्वल टू 10x इंटू ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x और प्लस सी। उसके बाद आप आंसर मैच करा लेंगे, जो भी जिधर भी ले जाके उसने दे रखा होगा। फाइनली तो बस यही करना होता है आपको, ठीक है। तो देखा होगा आपने, बस यहाँ थोड़ा सा काम अलग हुआ था, बाकी सेम है, पूरा प्रोसीजर सेम है। आप एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को सिलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ 1 + x² (dy) + 2xy (dx) = cot x (dx)। अब ये बाई लुकिंग आपको कुछ लीनियर जैसा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि लीनियर में तो dy/px = q उस फॉर्मेट में होता है, अब ये उस फॉर्मेट में तो है नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये लीनियर हो सकता है। अब इसमें सबसे पहले ये देखो कि y कितनी जगह आया है, तो इसमें y सिर्फ एक जगह आया है, वो भी y की पावर 1 है, तो ये लीनियर हो सकते हैं। देखिए कोई गारंटी नहीं होती है कि ये फिर भी लीनियर होगा, हो सकता है। तो आप लीनियर की डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेंगे। अब लीनियर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम dy/dx क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो dy/dx कैसे क्रिएट करोगे कि dx से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, dx पूरी को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 1 + x² (dy/dx) + 2xy, वहां dx खत्म हो जाएगा, dx से डिवाइड किया है आपने, = cot x। उसके बाद dy/dx को हमें बिल्कुल अकेला करना होता है, तो ये 1 + x² यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में आया, पूरे से डिवाइड कर दोगे जैसे हमने अभी पांचवें क्वेश्चन में किया था। तो dy/dx प्लस ये 1 + x² से डिवाइड करेंगे, 2x/(1+x²)(y = cot x/(1+x²)। ये काम आपने कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल लीनियर फॉर्मेट में बना, क्यों, क्योंकि ये p होगा और पूरा ही ये x की टर्म में है, q भी पूरा x की टर्म में है, तो p और q दोनों सेपरेट कर लिया आपने। p की वैल्यू होगी 2x/(1+x²), q की वैल्यू होगी cot x/(1+x²), p और q दोनों आ गए आपके पास। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लो, e की पावर pdx यानी कि 2x/(1+x²) का इंटीग्रेशन, ये काम करना है आपको। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1+x² को t पुट करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा पूरा, ये dt/t यानी कि log t बनेगा, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा e की पावर log 1+x². अब e की पावर में log आया तो कैंसिल होंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा फाइनली आपको 1+x². ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। अब आप सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करोगे, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y(int)(q)(int)² और इनकी मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन, ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। y की वैल्यू रखोगे, y की क्या रखेंगे, y तो ऐसे लिखा रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखेंगे तो 1+x² = q, q कितना था ये लिखा हुआ है, cot x/(1+x²) (integrating factor) 1+x² और इनकी मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हैं अपोन में भी 1+x² है, मल्टीप्लाई में भी ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कोट एक्स बचेगा, इधर वाई 1+x² और उधर सिर्फ कोट एक्स बचा और उसका इंटीग्रेशन करना है। कोट एक्स का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए आपको, लोग साइन एक्स होता है जनरली भूल जाते हैं, ये कोट सेक वगैरह के याद कर लो एक बार, कोट एक्स का सेक एक्स का सोचो अभी माइंड में, सेक का क्या होगा, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कोई कई बार क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन आने के बावजूद भी एक सिंगल फॉर्मूला याद ना आने के कारण हमारा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है, तो इसलिए फॉर्मूले बीच बीच में ज़रूर आप माइंड में रिवाइज करते रहा करें, वरना मैथ्स में अगर फॉर्मूला हल्का सा भी कोई अटक गया, कुछ प्लस का माइनस हो गया, तो नंबर ख़राब हो जाएंगे कि मुझे सब कुछ आता था लेकिन बस टाइम पर फॉर्मूला याद नहीं आया, तो इसलिए फॉर्मूले पक्के याद रखा करो। खैर ये वाला हो जाएगा इसका, बस यहीं आप इसे छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में इसमें कुछ एक्स और वाई की वैल्यू भी गिवन होगी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, वो भी भूलना मत,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें वापस पुट करेंगे, वहाँ से सी की वैल्यू आएगी, उसे वापस आप रिप्लेस कराएंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएंगे। हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, इसमें भी 13 के बाद यही है। खैर फिलहाल आप 9 क्वेश्चन तक करोगे, 10, 11 और 12 ये 3 क्वेश्चन मत करना, क्योंकि लीनियर में एक मेथड और है, मतलब दो टाइप की होती हैं लीनियर, होमोजीनियस भी दो टाइप की होती हैं, लीनियर भी दो टाइप की होती हैं, तो दूसरे टाइप के लिए मैं एक अलग वीडियो में बात करूँगा, अभी इसमें इतना ही। आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखना, ये 10, 11 और 12 मत छेड़ना बस, अभी 10, 11 और 12 ये 3 छोड़कर आप बाकी कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ बच्चों का था मैसेज कि सर इसके वर्ड प्रॉब्लम रह गई, तो वर्ड प्रॉब्लम का मैं बता दूं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम 4th एक्सरसाइज में है, कुछ 6th में है, इनको इकट्ठा एक साथ कंसीडर कर लेंगे, कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी है, उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, वर्ड प्रॉब्लम्स का कभी कभार कोई एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, जनरली या तो होमोजीनियस से आता है या लीनियर से, तो आप उनको पक्का करके चलेंगे होमोजीनियस और लीनियर। ओके, तो इतना ही करो ये।